हे गाइस, तो चलिए आज बनाते हैं एक यम्मी सा स्नैक जो कि है हमारा पापड़ पनीर रोल। तो इसके लिए क्या करना है, आपको पापड़ लेना है, उसको एक प्लेट में ना पानी डाल के ऐसे डिप कर देना है तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ना हम इसे एक दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी सीजनिंग। तो देख सकते हैं कि पापड़ जो है हमारा वो काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम पहले तो बटर लगाएंगे, तो बटर आप रूम टेम्परेचर पर रख लेना, ईजी रहता है लगाने के लिए। फिर उसके बाद डाल देंगे हम इसमें ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स, और साथ ही यहाँ पर ना मैं डाल रही हूँ पनीर ग्रेट करके। तो पनीर की जगह पर आप चाहें तो चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो पनीर डाल दिया और उसके ऊपर से थोड़ी सी जो सीजनिंग वगैरह है आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और उसके बाद इसे कर देना है बहुत ही प्यार से, इसको रोल कर देना है क्योंकि गीला है तो आसानी से चिपक भी जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको बाकी के सारे रोल्स अपने रेडी कर लेने हैं। और फिर उसके बाद एक पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे बटर और उसके बाद इन रोल्स जो हमने बनाए थे ना, इन रोल्स को हम इसमें सेक लेंगे। चाहे तो आप इसे एयर फ्राई भी कर सकते हैं या फिर इसको आप ऐसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो बस मीडियम से फ्लेम पे इसको रखना है, उलट पलट के तब तक पकाना है जब तक ये चारों साइड से जो है बिल्कुल क्रिस्पी ना हो जाए। और उसके बाद ये देखिए हल्का सा इसमें कलर आना शुरू हो जाएगा। तो इसको उलट पलट के पकाइए और आपके क्रिस्पी से पापड़ पनीर रोल गाइस बन के रेडी हो गए हैं। तो कोई यकीन नहीं मानेगा कि ये झटपट आपने 5 मिनट के अंदर घर पे ही बना लिया है। तो होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज़ बने रहें मेरे साथ ऐसी इंटरेस्टिंग, इजी और क्विक रेसिपीज़ के लिए। और जब आप इसको सर्व करेंगे ना तो ऊपर से मेयोनीज़ या फिर जो केचप होता है ना उसको एक पाइपिंग बैग में डालिए और इस तरीके से स्प्रेड कर दीजिए ऊपर से, तो इसका जो लुक है उसमें 4 चांद और लग जाएंगे। तो बस देर किस बात की, बिना चटनी के भी आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं। तो बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।